नमस्कार, श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विषय है रोजगार और बिहार। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिहार के लिए होता है, या किसी भी राज्य के लिए, किसी भी घर और परिवार के लिए। अब आप देखें, बिहार की आबादी 12.5 करोड़ जनसंख्या हो गई है। अन्य राज्यों में एक तरह से कहें तो बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि मजदूरों का थोक विक्रेता अगर कोई राज्य है तो बिहार है। दो तीन बात बहुत मार्केबल बात हो गया है, मजदूरों का थोक विक्रेता कोई राज्य है तो बिहार है। दूसरा, किसी भी राज्य में या देश में कहीं भी दुर्घटना में मजदूरों की मृत्यु होती है तो ये निश्चित मानिए कि जरूर उसमें 1, 2, 4, 5 बिहारी होगा। ये एकदम मान लीजिए होना ही होना है। अब यहां आप देखें, गोवा के मुख्यमंत्री ने कुछ कहा बिहारियों के ऊपर, तो बिहार के समाचार पत्रों में काफी राजनीतिक दल के नेताओं ने बयान दिया, देश हमारा है। हाँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री कहते हैं, ठीक है। और महाराष्ट्र में वहां के एक नेता राज ठाकरे ने एक बहुत मार्केबल बात कही कि जो आप बिहार से बाहर आते हैं, आप इतना उपेक्षा और दंश महसूस करते हैं, और आप क्यों नहीं अपने नेताओं को कहते हैं कि बिहार में उद्योग लगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखें, ठीक है, अभी यहां देखें, बिहार के नेता अभी जो तमिलनाडु वाला घटना घटी, तो बिहार के सत्ता में बैठे या कोई भी नेता, उनको क्या पता है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, सरकार ये या वो, सरकार गिरफ्तार कर। लेकिन जरा ध्यान रखिए, एक विषय मैं रख रहा हूं, श्रम संघ में काम करने के दरमियान बिहार के सभी संगठनों के नेता, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को मजदूर का भेष बनाइए, एक बोरा दे दीजिए, और संघमित्रा ट्रेन में पटना में चढ़ा के दानापुर उनको चेन्नई उतार लीजिए। उसके बाद सारा अनुभव इनको मिल जाएगा कि कितना इज्जत आपको रास्ते में या वहां, या चेन्नई नहीं उतरना चाहते हैं तो आप इनको एर्नाकुलम उतार ले। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चूंकि भारतीय मजदूर संघ ने हमें 2006, 2007, 2008 में पूरा देश घुमाया है, इसलिए। एक दूसरी बात, अभी बिहार में जातीय गणना पर बहुत चला, जाति की गणना होगी, कोर्ट ने रोक लगाया, फिर एक नेता जी ने कहा गणना जरूर होगी, लेकिन कोई भी बिहार का नेता उद्योग लगाने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, उद्योग मंत्री से, अन्य मंत्रियों से नहीं मिलता। जिस दावे के साथ जातीय गणना पर आप पहुंचे हुए हैं, उसी दावे के साथ अगर उद्योग मंत्री से मिलते, कृषि मंत्री से मिलते, आप वहां से ले आते। मित्रों, एक चीज बताऊं, उद्योग क्षेत्र और एक अन्य क्षेत्र लिखा हूं, जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर अन्य क्षेत्र होता है, तो पूछा कि अन्य क्षेत्र क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि अन्य क्षेत्र का अर्थ है यहाँ जो भी व्यक्ति आएगा उसको दोनों शाम का भोजन अवश्य मिलेगा, यानी भोजन की पूरी गारंटी। ठीक उसी तरह से बिहार के नेताओं को अन्य क्षेत्र जैसे तीर्थ स्थलों में घोषित रहता है, हरिद्वार वगैरह में देखा है, लक्ष्मण झूला में देखा है, उसी तरह से बिहार को उद्योग क्षेत्र घोषित करना चाहिए नेताओं को।
और स्वाभाविक है कि हम मेरे कोई बाहर नहीं जाएंगे। अब आगे देखिए, विगत 35 वर्ष से बिहार में यही दो परिवार हैं, एक नीतीश जी एक लालू जी का परिवार मुख्यमंत्री। अभी 33,000 उद्योग इनके लालू जी के कालखंड में बंद हो गए, बिहार और झारखंड दोनों। और सत्ता में जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी और सभी पॉलिटिकल पार्टी, माले, सीपीएम, सीपीआई जितने भी हैं, सब लोग अभी बिहार में सत्ता में हैं, लेकिन कोई पार्टी ने बिहार के नौजवानों के लिए कोई ब्लू प्रिंट उद्योग का नहीं पेश किया कि हम जब सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, मेरा ये ब्लू प्रिंट है, किसी का नहीं। जनसंख्या 12.5 करोड़, सारा उद्योग बंद। अब आइए, कोई यानी इन नेताओं के पास में सिवाय एक दूसरे के आलोचना करने का कोई योजना नहीं है। अब यहां देखें, आप ये बिहार में आपस में सभी लोगों को जाति के आधार पर बांट के रखना चाहते हैं, ये बांट के रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपस में। चलिए, अब दूसरा पॉइंट, बिहार में एक ही उद्योग है, वो उद्योग है बालू का, ये बालू का, और बालू उद्योग में लगभग 30% लोग काम करते हैं। बालू में पूरे बिहार के 30% बालू काटने वाला, ढोने वाला, बेचने वाला, सरकार, गांव के लोग, उस रास्ते के जितने भी अनइम्प्लॉयड हैं, कहीं ना कहीं उनकी किसी भी तरह की भागीदारी, ट्रक वाले। और ये बालू बिहार से 10 राज्यों में जाता है, यानी बिहार में एकमात्र उद्योग है। एनटीपीसी भी था बरौनी में, उसको भी बिहार सरकार ने केंद्र को देख के मुक्त हो गए, यानी कोई बिहार में उद्योग नहीं है। स्वाभाविक है। एक दूसरा उदाहरण अभी लें, बिहार के मंत्री ने बाजाता बयान दिया है कि लगभग 4.25 करोड़ लोग मनरेगा में पंजीकृत, उसमें से 1.25 करोड़ लोगों का पंजीयन रद्द किया गया है। आप यहां देखें, 12.5 करोड़ जनसंख्या है, 4 करोड़ लोग, लगभग 4.25 है, यानी 4 करोड़ लोगों का सिर्फ एक ही रोजगार है, मनरेगा, मनरेगा में इनरोल है। और उसके बाद अभी एक हफ्ता हुआ है, श्रवण कुमार जी का मंत्री हैं, उनका ये समाचार है पेपरों में कि 1.25 करोड़ मनरेगा का कार्ड को रद्द किया गया है। अगर आप अपने राज्य को समृद्ध बनाना चाहते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भरता को समाप्त करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको अपने नौजवान बच्चों को, जो जिनकी आयु 15 से लेकर 25 वर्ष तक है, 30 वर्ष तक है, इनको कौशल का प्रशिक्षण देना पड़ेगा। बहुत तरह के विभाग हैं, IIT जो बिहार में है वो करीब है फेलियर हो गया है, तो इस कौशल का प्रशिक्षण होगा, और उसके बाद आप कहीं जाते हैं तो पूछ आपकी होगी। अब आप देखें, केरल में अभी मजदूरी 700 रुपया एक दिन का है, मेघालय में मजदूरी 1200 रुपया है एक दिन का। मैंने केरल वाला 2007 में बिहार न्यूनतम मजदूरी के सदस्य होने के नाते इस विषय को हम वहां उठाए थे, रखे थे बिहार। उस समय श्रीमान व्यास जी प्रधान सचिव हुआ करते थे। अब आप देखिए, अब 1200 रुपया एक दिन का न्यूनतम मजदूरी मेघालय में, कोई बिहारी जाता है मजदूर, मेरा भाई,
तो उसको 800 रुपया मिल गया, बीच के दलाल उसको 400 रुपया अगर खा भी जाते हैं, ठीक है। अब आगे सोचिए, लेकिन ये जो वहां जाके काम कर रहे हैं तो वहां के मेघालय के मजदूर को, केरल के मजदूर को ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। ये बिहार के लोग अपने यहां काम ही हो, आपको हे दृष्टि से देखेगा ही देखेगा। भाई मेरे, भिखमंगा की तरह कहीं भी जाइएगा तो आपको अच्छा दृष्टिकोण से कोई नहीं देखेगा। यहां देखिए, ये इसीलिए मैंने इसको यहां लाया कि बिहार के सभी दल के नेताओं को ट्रेन पर बैठा दीजिए, एर्नाकुलम भेज दीजिए, उनका कपड़ा ये कुर्ता पैजामा ना हो, चकाचक ना हो, मजदूर के भेष बना दीजिए। और उसके बाद क्या स्थिति आती है मजदूरों के साथ, रेल पुलिस का क्या व्यवहार होता है, पुलिस का क्या व्यवहार होता है, ठग का क्या व्यवहार होता है, किसी का क्या व्यवहार होता है, ये अनुभव आ जाएगा। ये अनुभव, ये बहुत बड़ी चीज है। तो मित्रों, जब आप के पास कौशल नहीं रहेगा तो कहीं भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। वो सब जान रहे हैं, ये बिहारी लेबर आ गए, अब ये अशिक्षित हैं, पढ़ना लिखना बोलना भी नहीं सही से जानते हैं, वहां की भाषा नहीं जानते हैं, तो कष्ट होता है, स्वाभाविक है कि पीड़ा होता है। और ये, और दरअसल इसका दूर करने का एक ही तरीका है, बिहार के जो विधायक दल के नेता हैं राजनीतिक दल के लोग, वो अपने लोगों का कौशल प्रशिक्षण करें और साथ ही साथ यही मार्केटिंग भी करें। हम बाजार में अपना श्रम बेच रहे हैं, अगर आपको ये क्वालिटी मेरे पास है, खरीदना है तो आइए, नहीं तो कहीं भी जब आप जाएंगे, गोवा हो, दिल्ली हो, आसाम हो, कहीं भी जाएंगे तो इज्जत और सम्मान आपको नहीं मिलेगा। कोई जनरल बोगी में जाएगा तो कितना इज्जत मिलेगा, लेकिन कोई एसी में जाएगा, कोई विमान से वहां पर पहुंचेगा, वो डॉक्टर साहब कहलाएंगे, वो इंजीनियर साहब कहलाएंगे, तो स्वाभाविक है इज्जत और सम्मान सभी जगह मिलेगा। मित्रों, जब हम ये पढ़ते हैं कि बिहार के श्रमिकों के साथ ये दुर्व्यवहार, और नेता लोग दो दिन अपनी आंसू बहा लिए बिहारी मजदूरों के प्रति, ऐसा हो गया वैसा, बड़ा दुख होता है अंदर से कि आप जातीय गणना पर पैसा लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल जो गणना है, कौशल बढ़ाना, विकास करना, डेवलपमेंट करना, बोलने की कला सिखाना, यानी कुल मिला के गुणवान और क्षमतावान बनाना, ये कौशल अगर राज्य की जनता में आ जाएगी, नौजवानों में आ जाएगा, तो कोई भी मुख्यमंत्री आपको बेइज्जत नहीं कर सकेगा, चाहे वो कोई हो, गोवा हो, दिल्ली हो, उनका वैकेंसी होगा, आप सप्लाई करिए। तो मित्रों, रोजगार और बिहार के ऊपर ये छोटा सा वीडियो बनाया, आपके समक्ष रखा, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार।